सर्दी लगातार बढ़ रही है। सर्दी के मौसम में हालांकि खान पान स्वस्थ रखता है, लेकिन सर्दी के इस मौसम में दिल के मरीजों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। सर्दी में हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कई तरह के फ्लू भी बीमारियां फैलाते हैं। ऐसे में लोगों को चाहिए कि वे अपने शरीर का खास ख्याल रखें, विशेष तौर पर दिल के मरीज, क्योंकि सर्दी के मौसम में शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह कम रहता है। इसके अलावा दिल की बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं और उसका क्या उपचार है तथा अपना खान पान कैसे रखना चाहिए, इस बारे में विशेष जानकारी दी करनाल के जाने माने डॉक्टर गगन कौशल ने। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर गगन कौशल ने। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान। मैं आपको बता दूं कि सर्दी के मौसम में दिल के मरीजों को अपना दिल का ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्योंकि इन दिनों उनकी समस्याएं बढ़ जाती हैं। और इस विषय में मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है करनाल के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर गगन कौशल। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। शुक्रिया तरुण जी। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि सर्दी अब बढ़ती है, आने वाले दिनों में और सर्दी बढ़ेगी, कोहरा भी छाने लगा है और जो हिमपात हो रहा है उसका असर मैदानी इलाकों पर सामने देखने को मिल रहा है। इस मौजूदा मौसम में जो ऑलरेडी दिल के पेशेंट हैं, जो कार्डियक पेशेंट हैं, उन्हें अपने दिल का ख्याल कैसे रखना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में उनके लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपने सही कहा कि सर्दियों के अंदर लोगों को दिल का दौरा पड़ना यानी कि हार्ट अटैक या इवन लकवे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे उनको दिल की तकलीफ हो या चाहे ना भी हो, तो थोड़ा उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ऐसे लोग भी आते हैं जिनको पहले कोई प्रॉब्लम नहीं होती और पहली बार दिल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ठंड से जितना हो सके बचे। बहुत सारे बुजुर्गों को जैसे कि सुबह सैर पे जाने की आदत है अर्ली मॉर्निंग, तो उस समय कोहरे में तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए। करनी है घर पे करें, योगा अभ्यास करें, या अपना जाना ही है बाहर जाना है तो दोपहर को निकलें जब थोड़ा धूप हो, ठंड कम हो। ठंड के अंदर वर्जिश करना, व्यायाम करना खुले आसमान के नीचे कोहरे के अंदर बिल्कुल ही सही नहीं है, उससे आप बीमारी को दावत दे रहे हैं। तो ये, और दूसरा, इस मौसम के अंदर ना सिर्फ हार्ट और लकवा बल्कि इवन निमोनियास बड़े कॉमन है। कोविड निमोनिया तो खैर चल ही रहा है, लेकिन अभी फ्लू वाले निमोनियास या स्वाइन फ्लू वाले निमोनियास भी आने लग गए हैं, तो इस मौसम में वो भी काफ़ी अधिक है, जिसको आम सादी भाषा में लोग कहते हैं ठंड लग गई है। तो जितना हो सके ठंड से बचें। घर के अंदर अगर कोई बुज़ुर्ग है जिनको थोड़ा ठंड ज़्यादा महसूस हो रही है, कंपन हो रही है, तो उनको और ध्यान रखना चाहिए। अपना ब्लैंकेट्स वगैरह और वुलन क्लोथ्स का ध्यान रखना चाहिए, और घर में हीटर वगैरह भी कमरे में लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना अति आवश्यक है, जब आप हीटर लगाते हो या एक कोई ब्लोअर लगाते हो, हीट ब्लोअर जो होते हैं, तो उससे कमरे में नमी कम हो जाती है, ह्यूमिडिटी बहुत ही कम होती है, ड्राई हो जाता है, वो भी आपके लिए सही नहीं है। तो अगर आप कमरे में कोई हीटर लगा रहे हैं तो साथ में उसके एक ह्यूमिडिफायर होना चाहिए, जिससे कि ह्यूमिडिटी बनी रहे। अगर आपके पास ह्यूमिडिफायर नहीं है, जो मेरे ख्याल से 1000-1500 रुपये का मिल जाता है, अमेजन से आप ले सकते हैं, आप सिंपल एक घर गीला तौलिया भी रख सकते हो उस कमरे से, जिससे थोड़ी नमी बनी रहेगी। एक पानी की बाल्टी उस कमरे में रख सकते हो जहाँ पे आप एक हीटर का उपयोग कर रहे हैं, स्पेशली जो बुजुर्गों के साथ है। डॉक्टर, अभी आपने बताया कि कुछ को ऑलरेडी जो पेशेंट हैं और कुछ को इन दिनों बढ़ जाती है, सर वो सिम्टम्स कौन से होंगे जिससे पता लगे कि हाँ इनको दिल की तकलीफ है? हार्ट के अगर आप सिम्टम्स की बात करते हैं, यानी कि अगर हम हार्ट अटैक की बात करें, तो हार्ट अटैक के सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम तो दर्द ही है। आम लोग समझते हैं सिर्फ बाईं तरफ दर्द ही हार्ट का होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्ट का दर्द आपकी धुन्नी से लेके आपके जबड़े तक कहीं पे भी हो सकता है। ज़्यादातर पेशेंट्स में हार्ट का दर्द सीने के बिल्कुल बीचों बीच होता है, जिसको बहुत सारे लोग एसिड का दर्द मान के इग्नोर कर देते हैं, वो बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हार्ट का प्राइमरीली दर्द जो ज़्यादातर होता है, वो या तो बिल्कुल सेंटर में होता है या वो इधर लेफ्ट साइड होता है, लेकिन उसके अलावा वो बाजू में भी जा सकता है, आपकी बाईं बाजू में, इवन पेट में भी हो सकता है। पेट का दर्द भी कई बार जो नहीं सबसाइड हो रहा आपकी एसिडिटी से, वो हार्ट का हो सकता है। स्पेशली हार्ट के नीचे हिस्सा जो पेट से सटा होता है, अगर वहाँ पे अटैक होता है तो पेट में दर्द और उल्टियाँ भी आ सकती हैं। तो लगातार छाती में दर्द होना, यकायक हो जाना, पसीने आ जाना उसके साथ, एकदम घबराहट होना, ये सब हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण हैं। ऐसे में तुरंत आपको अपने नज़दीकी अस्पताल जाके अपना ECG करा के उपचार कराना चाहिए। सर, सर्दी के मौसम में कार्डियक पेशेंट के लिए खान पान के लिए आप क्या सलाह देंगे? ना सिर्फ सर्दी के मौसम में बल्कि हर मौसम में मेरे ख्याल से खान पान की सलाह वही सेम है, कि आपको घी मक्खन तली चीज़ें कम रखनी है, अपना नमक वगैरह कम रखना है। स्पेशली सर्दियों में हम देखते हैं हमारे तक खान पान थोड़ा हैवी हो जाता है, मूंगफली, गच्चक, रेवड़ी, ये सारी चीज़ें
जो हलवे तरह तरह के, गाजर का हलवा और वो सब हैवी चीज़ें, शादियां होती हैं बड़ी सीज़न में, उस चीज़ में भी लोग हैवी खाते हैं, तो वो सब खान पान हैवी होने के कारण भी कंट्रीब्यूट करता है इस सीज़न में ये तकलीफें ज़्यादा होना। ये थे डॉक्टर गगन कौशल हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से सर्दी के मौसम में कार्डियक पेशेंट हैं उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने यह भी जानकारी दी कि जिनको इन्होंने कारण भी बताया, सिम्टम्स भी दिखा बताए हमें कि अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को उस तरह के लक्षण नजर आते हैं उसे तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाकर अपनी अपना जाँच करवा लेनी चाहिए और इन चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। वहीं डॉक्टर विनोद का कहना है कि बढ़ती सर्दी हड्डियों और जोड़ों के दर्द का कारण बनती है। सर्दी में हर उम्र के लोगों में इस तरह की परेशानियां सामने आती हैं, क्योंकि सर्दी के कारण तापमान कम हो जाता है जिससे जोड़ों का लचीलापन कम हो जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें अधिक समय बैठकर काम करना पड़ता है उनमें कमर दर्द और गर्दन दर्द की शिकायत अक्सर सामने आती है। इनसे बचने के लिए सर्दियों में व्यायाम करना चाहिए तथा विटामिन डी की कमी ना हो इसके लिए सूरज की किरणों के सामने आना चाहिए। अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सर्दी के मौसम में इन परेशानियों से कैसे बचा जाए इसके लिए विशेष तौर पर समाचार एक्सप्रेस से बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहा डॉक्टर विनोद कमल ने। सर्दी अपनी चरम सीमा पर है और मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में इस ठंड से राहत मिलने कोई आसार अभी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जो हिमपात हो रहा है, जो बर्फ पड़ रही है, उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मैदानी इलाकों में ज़बरदस्त ठंड के साथ साथ कोहरे ने भी अपना चेहरा दिखाना शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूँ कि इस मौसम में हड्डी और जोड़ से संबंधित कई बीमारियाँ जकड़ जाती हैं शरीर को। इसके क्या कारण है, इसका क्या उपचार है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं करनाल के सामान्य रोग अस्पताल के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कमल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार एक्सप्रेस चैनल का धन्यवाद करता हूँ और ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि सर्दियों के अंदर लोगों को हड्डियों की वह जोड़ की समस्याओं से जूझना पड़ता है और इसके कई कारण हैं, जिसमें मुख्यतः तौर पे जैसे सर्दियों में क्या होता है कि भी जो तापमान है वो कम हो जाता है और तापमान में कमी आने के कारण जो शरीर की नसें हैं वो सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं और जोड़ों में मांसपेशियों में अकड़ आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को मांसपेशियों की व हड्डियों में दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है। और साथ के साथ कि जैसे सर्दियों में क्या है कि धूप कम निकलती है और धूप कम निकलने की वजह से हमारा जो शरीर की जो त्वचा है वो सूर्य की किरणों के संपर्क में कम आती है, जिसकी वजह से जो हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है वो कम बनना शुरू हो जाता है और जो कि जिसकी कमी की वजह से भी हड्डियों की और मांसपेशियों की दर्द की समस्या बनती है। तो सब इनसे कैसे बचा जा सकता है? जोड़ों के दर्द की व शरीर की मांसपेशियों की दर्द की समस्या से बचने के लिए कुछ मेरी ओर से सुझाव हैं जिनकी अगर पालना की जाए तो इस दर्द से कुछ हद तक बचा जा सकता है। जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को धूप में अवश्य बैठना चाहिए, क्योंकि धूप में बैठने से हमारे शरीर के अंदर जो कुदरती तौर पे विटामिन डी मिलता है वो बनता है और उसके बनने से हमारे शरीर की हड्डियों में और मांसपेशियों में अकड़न कम रहती है। दूसरा है कि योगासन या व्यायाम, तो प्रत्येक व्यक्ति को योगासन या व्यायाम अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से शरीर के अंदर गर्माहट पैदा होती है जिसकी वजह से जो शरीर की मांसपेशियां हैं और हड्डियां हैं इनकी सिकुड़नपन कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को
सुबह की सैर जरूर करनी चाहिए। वैसे तो सैर किसी भी मौसम में अगर की जाए बहुत फायदेमंद होती है, परंतु सर्दियों के अंदर अगर सुबह की सैर की जाए तो उसका कोई बहुत खास फायदा होता है। सैर करने से हमारे शरीर को गर्माहट मिलती है और ऐसा जैसे सैर लगातार कम से कम वैसे हर व्यक्ति को कम से कम 3 किलोमीटर की सैर अवश्य करनी चाहिए। और गर्माहट मिलने से शरीर के अंदर रक्त का संचार होता है, मांसपेशियों के अंदर रक्त का संचार होता है, जिसकी वजह से दर्द में राहत मिलती है। और साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का जो कि विटामिन डी से युक्त हैं उनका सेवन करना चाहिए। जैसे दूध में बादाम डालकर पिया जा सकता है और साथ ही साथ तिल के तेल का सेवन किया जा सकता है, और साथ में अंजीर, हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्रोकली, इन सब का सेवन करने से भी हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी बनता है। सर, एक स्वस्थ और स्वस्थ शरीर पाने के लिए आपने बताया कि आदमी को योगासन करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियों का। बढ़ती उम्र के साथ साथ लोगों के साथ ये परेशानी बढ़ जाती है, उन बुजुर्गों को खासतौर पर क्या ध्यान रखना चाहिए? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सर्दियों के अंदर अक्सर प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को शरीर में और मांसपेशियों में जकड़न की दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे बढ़ती उम्र होती है तो जो शरीर की सर्दियों के अंदर जो हमारे जो रक्त की जो धमनियाँ हैं वो भी सिकुड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पाती है। पानी व मिनरल जो भी शरीर के अंगों को जरूरत होती है वो भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, जिसकी वजह से दर्द की समस्या बनती है। और लोगों को इन अगर सारे जो सुझाव बताएं इनको ध्यान में रखा जाए तो काफ़ी हद तक शरीर के दर्द, जो मांसपेशियों का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कमल, जिन्होंने हमें विस्तार से बता दिया, जिन्होंने हमें विस्तार से बताया विस्तार से बताया कि किस तरह से सर्दियों के अंदर हड्डी और जोड़ की समस्या बढ़ जाती है, हर उम्र के लोगों को इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इनसे बचने के लिए जो इन्होंने उपाय बताए, अगर व्यक्ति वो करे तो स्वस्थ जीवन जी सकता है, सर्दियों में बीमारियों से बचा जा सकता है, हड्डी और जोड़ से संबंधित रोगों से भी बचा जा सकता है। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। जुकाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये एक खतरनाक बीमारी का कारण बन सकता है। जुकाम को हल्के में लिया तो लकवा जैसी बीमारी भी आपको घेर सकती है। ये बात सामान्य अस्पताल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने ने समाचार एक्सप्रेस से रूबरू होते हुए कही। सर्दी के मौसम में नाक कान व गले से संबंधित रोगियों की संख्या 40% तक बढ़ जाती है। इनमें अधिकांश संख्या बच्चों की रहती है। देखिए इस बारे में क्या कुछ परामर्श दिया डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने ने। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। इस समय मौजूद हूँ करनाल के सामान्य अस्पताल में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं करनाल के सामान्य अस्पताल के ENT रोग विशेषज्ञ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने। इससे पहले आपको जानकारी दे दूँ कि सर्दियों को अपनी चरम सीमा पर, ऐसे में बुजुर्गों और बच्चों को विशेष देखभाल की जरूरत होती है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मौसम में जो नाक कान और गला रोग से संबंधित जो OPD होती है वो 40% बढ़ जाती है। इन दिनों में बच्चों और बुजुर्गों को किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उन्हें क्या विशेष देखभाल की जरूरत होती है, इसके लिए विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ डॉक्टर घनश्याम जयवर्धने। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सर्दी अपने चरम सीमा पर है, कोहरा छाने लगा है, धुंध छाने लगी है, ऐसे में अक्सर लोगों को सर्दी का एहसास होना स्वाभाविक है, इसमें इन दिनों में बच्चों और बुजुर्गों में किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इस मौजूदा समय में OPD पे क्या इफेक्ट आता है? देखिए, इस समय हमारी OPD बहुत बढ़ गई है, विशेष तौर पर क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और कोहरा छाने लगा है, कोरोना का सीज़न है, वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इसलिए इस समय सबसे ज़रूरी ये है कि लोग कोरोना के दृष्टिगत इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पे जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं क्लोज कॉन्टैक्ट में ज़्यादा फैलते हैं, खांसी जुकाम से ज़्यादा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ज़्यादा फैलते हैं। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बार बार हाथ साफ करें और हाथों से चेहरे को टच ना करें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है।
अगर आप बार बार सैनिटाइजर यूज नहीं भी कर पा रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि आप बार बार मुंह के हाथ ना लगाएं, मुंह के आंख के हाथ ना लगाएं अपने। दूसरी बात यह है कि इस समय बच्चों का खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत होती है बच्चों को जुकाम से, गला खराब हुआ, लेकिन वो अल्टीमेटली इफेक्ट करती है कानों को भी। ठीक है, बच्चा कंप्लेन करेगा मेरे को कानों में दर्द हो रहा है, जनरली हमारा क्या होता है घर में कोई देसी नुस्खा हुआ, कान में दवाई डाल दी या तेल डाल दिया। जरूरी नहीं है कि जो आपने दवाई डाली है कान के अंदर कोई मैल वगैरह ही हो, उस तक कान के पर्दे पर सूजन आई हो और आपने डाल दिया उसके अंदर तेल वगैरह कुछ डाल दिया, तो वो फायदे के बजाय नुकसान कर सकता है। एक और मैं आपको बताऊँ, बड़ों के अंदर बताता हूँ मैं आपको बात, जैसे ये पेशेंट बैठे हैं हमारे सामने, इनको लकवा हुआ था, वो लकवा इसलिए होता है इनके जुकाम लगा था, जुकाम लगा इनको लकवा हो गया, अब वो लकवे से रिकवर हो गई है ये जो लेडी बैठी है। लेकिन ऐसे पेशेंट को ये जो मौसम है, अभी मैंने इनको यही राय दी है कि सर्दी में ये इस चीज़ का खास ध्यान रखें, इनको जुकाम ना लगे। कैसे ना लगे कि आप निवाय पानी यूज करें, लूकवम पानी यूज करें, गर्म पानी की भाप लें, जुकाम होते उसी टाइम टैबलेट लें। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितना प्रिकॉशन रखोगे उतना ही बेटर रहोगे, ये सबसे जरूरी है। सर मतलब जुकाम इतना हानिकारक हो सकता है ये हमने पहली बार सुना है, मतलब कि जुकाम का लकवा मतलब कि एक शरीर को बिल्कुल खराब कर सकता है, इतना इफेक्ट करता है। और सर एक ये बताइए कि जो मौजूदा समय में जो मरीज आपके पास आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से ग्रस्त होकर आ रहे हैं? इस समय सबसे ज़्यादा आ रहे हैं गला खराब, जुकाम, इन चीज़ों से ग्रसित सबसे ज़्यादा आ रहे हैं लोग, जिसे हम फेरेंजाइटिस कहते हैं, सोर थ्रोट कहते हैं, वो वाली। तो सर ऐसे मरीजों को किस तरह की देखभाल की आवश्यकता रहती है? ऐसे मरीजों में सबसे बड़ी देखभाल तो ये कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें हम। जनरली क्या होते हैं कि डॉक्टर को दिखाने के बजाय खुद ही कुछ दिन के लिए मेडिसिन लेते रहते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इसीलिए हो रहा है, आप गए आपने कॉमन सी दवाई दुकान पे गए आपने ले ली, आप मतलब 15-20 दिन तो वो अपनी दवाइयाँ लेके चलता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एक बार दिखा लें। और सबसे बड़ी बात ये जो मैंने आपको तरीके बताएं, हाथ मुँह को ना छुएं, हाथ बार बार वॉश करते रहें, डिस्टेंसिंग रखें, इनका ध्यान रखें, खाने में बहुत ज़्यादा स्पाइसी और बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का जो है जहाँ तक हो सके अवॉइड करें, और ना भी कर पाएं तो आप ल्यूकोम पानी ज़्यादा मात्रा में यूज़ करें और भाप लें। ये थे डॉक्टर घनश्याम जयवर्धन करनाल के नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, इन्होंने हमें विस्तार से जानकारी दी कि मौजूदा समय में जो सेल्फ मेडिकेशन है, लोगों के द्वारा सेल्फ मेडिकेशन ली जा रही है, वो कितनी घातक सिद्ध हो सकती है, एक और एक जुकाम आदमी को लकवा ग्रस्त बना सकता है, उसको चलने फिरने में असमर्थ बना सकता है। इसलिए जो अगर किसी को जुकाम है तो सेल्फ मेडिकेशन न ले, सबसे पहले मेडिसिन लें, इसके अलावा जो इन्होंने प्रिकॉशंस बताई हैं उनका विधिवत उपचार करें, अपने घर में इस्तेमाल करें, जो भी उपचार इन्होंने बताए वो व्यक्ति घर में रहकर भी कर सकता है, और अधिक समस्या ना बढ़े इससे पहले पहले वो डॉक्टर को दिखा लें और सेल्फ मेडिकेशन से बचें। मैं तरुण बदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.